हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, खो न जाऊं मैं कहीं ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कई बार पार्टनर की बातों को हम ना समझने के कारण अक्सर कपल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप उसी से लड़ते हो, उसी से झगड़ा करते हो जिसको आप अपना मानते हो, और अगर पति पत्नी के बीच में बहसबाजी हो रही है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो भी कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे में अपनापन नज़र आ रहा है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो रिश्तों की मजबूती को दर्शाता दिखाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैंचो आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्टनर की बातों को हम जो नहीं समझते, ना समझ करते हैं, अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते कपल्स के बीच में, अलगाव आ जाता है, मन दुख होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ये जो इस बारे में हम बात करेंगे, जो मतलब दिल है ना दुखी होता, परेशान होता है ऑलवेज जब आप लड़ते हो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते, कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल हो जाता है कि एक दूसरे को हर्ट हो जाता है, दुख पहुंचाता है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि आप से किसी इंसान से लड़ते हो उसी इंसान से ज़्यादा लड़ते झगड़ते जिसे आप अपना मानते हो, और पति पत्नी के बीच में जब भी बहसबाजी होती है इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को बहुत इन टू आउट अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे का प्लस माइनस जानते हैं, सबसे खास एक दूसरे में अपनापन देखते हैं, मतलब खुद ही की तरह एक दूसरे को महसूस करते हैं, जैसी मैं हूँ वैसा वो है। एक मजबूत रिश्ता होता है, मजबूत से मजबूत जो कहते हैं ना, चट्टान भी मतलब टूट जाती है अगर उसके बीच दरार आ जाती है। तो ये एक दूसरे को नहीं समझने के कारण जो ये दरार आती है ना, वो ना आए तो उसके लिए हमें कुछ ही चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपना लें, एक कहते हैं ना एक्सेप्ट कर ले, तो बड़े बड़े नुकसान होने से हम बच सकते हैं। और रिश्तों को बनाने में कहते हैं ना सदियाँ लग जाती है, बरसों लग जाते हैं, और तोड़ने में तो एक पल में टूट जाता है। बात वही है कि आप कितना अपना विश्वास बनाते हो, कितना एक मजबूती के साथ एक रिश्ते को निभाते हो, आगे लेके चलते हो, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है ना, खुशियों के लिए कभी कभी रोता है और कभी कभी दुख में बेपनाह रोता है। ये तो सिलसिला है ज़िंदगी का, कहते हैं ना कोई भरोसा, कहते हैं ना भरोसा के लिए रोता है और कोई भरोसा करके रोता है, कोई भरोसा टूटने पर रोता है भाई। ये तो सब सिंपल सी बात है कि बस आपका रिश्ता जो है आपने बनाया है, चाहे कहते हैं आप हस्बैंड वाइफ हो, जो मेजर रिश्ता मैं कहती हूँ, लेकिन जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ लंबे लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन उसी समय जो भरोसा टूटता भी है एक दूसरे को पहचानने के कारण, क्या हो जाता है कि खुद पे से भी कभी कभी भरोसा हट जाता है, उठ जाता है। तो जो भी आप रिश्ता बनाते हो, जिस रिश्ते में आप हस्बैंड वाइफ कपल्स के रिलेशन में जो आप हो, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा, सबसे खास जो ज़रूरी बात है वो है वफादारी, ईमानदारी। जो आप कहते हैं ना वफादारी से रिश्ता निभाओगे, वफादारी से निभाई हुई चीज़ कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाएगी, तकलीफ़ नहीं देगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी परेशानियाँ, आप अपने पार्टनर से बात करिए, किसी चिंता से गुजर रहे हो, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ, साथी के साथ शांति से बैठकर बातचीत करने का प्रयास करें, कोशिश करें बातचीत करने की। और अगर उसका व्यवहार आपके प्रति सही नहीं है, सामने वाला व्यक्ति अगर किसी बात से मतलब कहते हैं ना गुस्से में, झुंझलाट में है, परेशानी में है, और आपकी बात को निगलेक्ट किया जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, आप सामने वाला व्यक्ति किसी बात से परेशानी में है, गुस्से में है, आपकी बात को नहीं समझ रहा है, अपना व्यवहार नहीं ठीक रख रहा है, कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसा प्रभाव डाल रहा है, तो ये जो बिहेवियर के कारण जो हमारा रिश्ता जो बिगड़ रहा है, ये जो प्रभाव पड़ रहा है उससे एक प्रति कहते ना एक दूसरे के प्रति हमारा जो रहन सहन, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो वाणी जिसे कहते हैं, एक दूसरे को हम नहीं समझ पा रहे। तो सबसे मेजर बात है कि हम अपनी बात जो रखते हैं, जो शांति से रखते हैं ना, वो करेक्ट तरीके से रखी जाए। ये तकलीफ मुझे हो रही है, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छा नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही है, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा अनदेखा करना, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रकार की तकलीफ से आप गुजर रहे हो, शांति से प्यार से बैठ के बात करो। और क्या होता है ना, कहते बातों को समझने की कोशिश करो। जैसे मतलब मैं बात कहना चाह रही हूँ कि मतलब बातों को समझना शुरू करो, मतलब अलग सोच हो सकती है। देखिए, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, भले चाहे जुड़ के एक हुए हैं, लाइफ पार्टनर एक दूसरे के जीवन साथी है, एक अंग है, लेकिन दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग अपने अपने मत, अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच हो सकती है।
और सोच अलग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो आपका पार्टनर भी वही सोच रहा है या सोच रही है। तो बातों को एक दूसरे के समझना, अपना समक्ष रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वफादारी निभाओ, अपनी बात जो कहते हैं ना शांति से, प्यार से, मोहब्बत से रखिए। प्रॉब्लम है एक दूसरे की बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दो व्यक्ति हो, भले आप एक हो, एक अंग हो, जैसे मैं कह रही हूँ एक हो गए हो, मगर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की सोच को मान सम्मान देना, एक दूसरे को महत्व देना, सामने वाले की मत राय जानना, अपनी राय रखना, अपनी बात रखना, क्योंकि दो व्यक्ति है 100% ये सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये बातें करके शांति से उस चीज़ का कहते हैं उकेल, निचोड़ एक अंजाम तक लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ सकता है। दूसरा, झूठ बोलना, ये बार बार मैं बोलती हूँ, झूठ बोलना है ना बहुत बुरा होता है किसी भी रिश्ते में, खास करके पति पत्नी के रिश्ते में, कपल्स के रिश्ते में। जब आप झूठ बोलते हो ना, चलिए कुछ देर के लिए तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं बचोगे, लेकिन झूठ बोलने की वजह से सबसे मेजर जो चीज़ होती है ज़िंदगी में आप खो दोगे वो है विश्वास, भरोसा। क्योंकि जो झूठ की जो कहते हैं ना समय, ज़िंदगी बहुत छोटी नहीं होती है, लंबी नहीं होती है। झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, खुलकर पकड़ा ही जाता है। कभी कम समय लगता है, कभी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन झूठ की दुकान बंद होती ही है। लेकिन जो सच है ना, वो सच बेबाक बेनकाब होता है, उसे किसी भी मुखट की ज़रूरत नहीं, किसी भी नकाब की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं वो आपके सामने ऐसा टकराएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देगा जिससे आप पर जो भरोसा आपके पार्टनर ने किया वो टूट जाएगा। वो विश्वासघात का एक एहसास आएगा, जो विश्वास टूटने के कारण जो मजबूती है वो टूट जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दरार आ जाती है तो बड़ा बड़ा पर्वत भी टूट जाता है, दरार को भरना नामुमकिन है। शीशा और रिश्ता है ना एक ही समान होता है, दरार आने के बाद वो कभी जुड़ नहीं पाते, एक अजीब व गरीब उसमें कहते हैं ना बात रह जाती है, खराबी हो जाती है। तो झूठ बोलने से आप कुछ देर के लिए तो बच ही जाओगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी भर का जो भरोसा विश्वास है वो जब सामने आएगा ना, आप अच्छा प्यारा एक खूबसूरत रिश्ते को कहते हैं ना फना कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तबाह कर दोगे। तो झूठ बोलने से बचिए, सच कड़वा ज़रूर होता है, उस समय तक कड़वा लगता है जब तक समझ में नहीं आती है, लेकिन उस सच का फ़ायदा बहुत होता है। और झूठ जितना मीठा होता है ना उतना ही खतरनाक जहरीला होता है, वो आपकी जीवन को है ना कितन ख़त्म कर देता है, आपके रिश्तों को ख़त्म कर देता है, खा जाता है एक्चुअली। तो झूठ बोलने से बचिए, रिश्ता जो है ना विश्वास बचाए रहेगा, आपका भरोसा बचाए रखेगा, सच कड़वा ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद है। तीसरा, स्पेशल फील नहीं करवाते, खास महसूस नहीं कराते। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर क्या होता है, दूसरे व्यक्ति का जो भी उसके साथ में है, चलिए कहीं मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, फैमिली गेट टुगेदर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी फंक्शन ले लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि ऑफिस का स्टाफ हो, आपका बिजनेस हो, लाइफ पार्टनर जब आपके साथ चलता है, चलती है, तो आप उसे स्पेशल फील कराने की जगह क्या करते हो, दूसरों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हो, दूसरों को महत्व देने लग जाते। तो आपका पार्टनर क्या है ना अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाता है, उसको लगता है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, वो आपके साथ चलने के लायक नहीं है, वो काबिल नहीं है, आपके साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, आपके जीवन में उसकी खास जगह नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में जो खास है, आपके जीवन में जो महत्व रखते हो, उसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अपने पार्टनर के अलावा अपने जीवन साथी को, अपने साथी को एक खास अहमियत नहीं दे रहे हो, दूसरों को एकदम कहते हैं खास, एकदम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनका ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उनकी बातों को महत्व दे रहे हो, लेकिन उनको महत्व नहीं दे रहे हो। तो जब ऐसा हो जाता है ना, तो दूसरे को जब आप महत्व ज़्यादा देने लगते हो, ज़्यादा तवज्जो देने लग जाते हो, तो आपका पार्टनर है ना लोनली फील करने लगता, अकेलापन का जो दुनिया में गुम हो जाता है, उसे लगता है कि उसको उसका पार्टनर समझ नहीं रहा, उसके पार्टनर को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मतलब वो इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो दूसरों को वो उसका पार्टनर दे रहा है। और वहाँ चाहे आप कितने भी कहते हैं ना, भरी महफिल में क्यों ना खड़ा हो, तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है। और वो जो अकेला फील जब करने लगता है ना, अकेलेपन में जो उसके अंदर जो आपके प्रति जो प्रेम है ना वो धुंधला हो जाता है, वो मोहब्बत जो इश्क प्यार मोहब्बत दर्द बन के पनपने लग जाता है। और वो जो दर्द की भावना मन के अंदर जाती है ना, वो दर्द की वजह से क्या हो जाता है, हमेशा आप देखिए जो बुरी चीज़ है ना वो अच्छी चीज़ को मार देती है। उसी प्रकार ये जो दर्द है ना, अकेलापन जो है ना, वो अलगाव जो है ना, वो प्यार मोहब्बत की जो एक कहते हैं ना
तो एक उमड़ा हुआ जो एक उभरा हुआ प्यार जो खुशियों से भरा हुआ जो एक कहते हैं मोहब्बत उसे दबा के रख देता है और दुख परेशानी निराशा यही महसूस होती है मेरा जीवन साथी मेरा नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया का ख्याल रख सकता है, पूरी दुनिया को स्पेशल फील करा सकता है, स्पेशल ट्रीट कर सकता है, सबको महत्व दे सकता है, सबको तवज्जो दे सकता है, लेकिन वो मुझे महत्व नहीं दे सकता है, वो मेरी कहते हैं मेरी अच्छी बात नहीं कर सकती, मुझसे दो मिनट अच्छी बात नहीं कर सकती, दूसरों से हज़ारों बात कर सकता है, दूसरों से कहते हैं पूरा वक्त गुजार सकता है, दूसरों को ज़्यादा समय दे सकता है, कहते हैं ना घंटों घंटों बात कर सकता है, दूसरों के साथ बहुत हंसी मजाक कर सकता है, लाइव रह सकता है, मेरे साथ नहीं रह सकता है। तो वो जो मेरे साथ नहीं हो सकता दूसरों के साथ ही हो रहा है, ये जब फील होने लगता है ना तो दूरियां बढ़ने लग जाती है। एक कहते हैं ना लॉन्ग कहते हैं ना पास रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। जीवन साथी को ना स्पेशल फील करते हैं ना खास महसूस कराए, तू मेरी लाइफ है, तू मेरी ज़िंदगी, वो फील करवाइए तेरे साथ मुझे पूरा जीवन बिताना है, तू ही मेरा जीवन है। और कहीं भी आप गेट टुगेदर में जाए, कहीं भी कितने भी खास लोग क्यों ना हो आपके जीवन में, अपने पार्टनर को नीचा मत दिखाइए, अपने पार्टनर की बुराई मत कीजिए, उसका महत्व कम मत कीजिए, बल्कि उनकी तारीफ कीजिए। तो आप देखिए उनकी प्रशंसा जब आप करेंगे तो वो आपकी प्रशंसा को कितना ऊंचा ले जाएंगे, कितना आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि लाइफ पार्टनर को जो खुशी होती है कहते हैं ना आपकी छोटी छोटी चीज़ों से ना वो खुश हो जाता है या हो जाती है। तो आप अगर जब महत्व देने लगोगे, आप अहमियत देने लगोगे, इम्पोर्टेंस देने लगोगे, तो उनके जीवन में जो इतने सारे मतलब कहते हैं ना खुशियों से वो जो भर जाएंगे, खुशियों से जो उनका जीवन एक कहते हैं निखार आएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बांटेंगे, आपको और खुशियाँ देंगे। वो जो खुशी है ना आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी। तो आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाइए, जो कहते हैं ना स्पेशल फील करवाएंगे आप ही के लिए वो फ़ायदेमंद। शक करना जो है ना, शक करना बहुत ही गंदी और बुरी बात होती है, बहुत बुरी बीमारी होती है। ये शक का कीड़ा जब जीवन में घुस जाता है ना तो अच्छे अच्छे रिश्तों को खा जाता है। जैसे कि दिमाग एक छोटी सी दिमाग कहते हैं पूरा फर्नीचर खा जाती है, पूरे घर को ख़त्म कर देती है, पूरी दीवारों को ख़त्म कर देती है। उसी प्रकार ये जो शक का जो कीड़ा है ना वो अच्छे अच्छे हंसते खेलते जीवन को, अच्छे प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। शक एक ऐसी कहते हैं ना जड़, एक ऐसी बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि शक का कीड़ा जब दिमाग में घुसता है तो इंसान सोच ही नहीं पाता है कि उसका लाइफ पार्टनर कितना अच्छा है या अच्छी है, वो कितना मतलब कितना उसके लिए केयर करता है, कितना प्यार करता है, करती है, कितना मोहब्बत, घर बार बाल बच्चे सब मतलब कहते हैं ना समेट के चल रहा है या चल रही है। ये सारी चीज़ें ना जो शक है ना जब दिमाग में घुसता है उसके बाद उसे ये अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, उसे सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही नज़र आती है। और शक का मतलब ही ये होता है कि झूठ फरेब शक अगर हो रहा तो देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है दिखा रहा है कि आप कहीं और जुड़े हुए हो, या आपका कोई एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके पार्टनर को ये महसूस करवा रही है, तो आप क्लियर कीजिए। जैसे मैं शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत खास अहम भूमिका निभाती है रिश्तों की, इस सारी चिंताओं की जो जड़ है ना ख़त्म कर देती है। अगर आप ईमानदार और वफादार इंसान हो, आप वफादारी से अपना रिश्ता निभाते हो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बातों को समझना, एक दूसरे की सोच अलग हो सकती है, मत अलग हो सकता, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपका व्यवहार दर्शाता है, वो आपके कहते हैं ना गलत प्रभाव जो पड़ता है आपके रिश्ते पर। आप अगर वफादार नहीं हो, आप सही बातों को नहीं समझते, सही बातें नहीं रखते हो, सामने नहीं व्यक्त करते हो, झूठ बोलते हो, तो जो झूठ बोलने का कहते हैं ना बच जाओगे कुछ देर लेकिन बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये खास महसूस नहीं करवाते हो, स्पेशल फील नहीं करवाते हो, दूसरों को महत्व देते हो ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये जो जड़ पकड़ती है ना, ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो शक है, वहम। और वहम का जैसे मैंने कहा इलाज नहीं है, वहम का इलाज आपको खुद ढूंढना है। आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में कोई गलती है, आपके अंदर कोई ऐसी गलत बात है, उसे सुधारिए। और वाकई में अगर आपने कहीं कुछ गलती की है जीवन में तो उस गलती को सुधार के छोड़ के अपने जीवन को अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में ऐसा बार बार में हमेशा कहते तो कोई भी परिपूर्ण नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्शन की ओर जा सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, गलतियों से ना सीख सकते हैं। इंसान क्यों जो गलतियों का पुतला है और गलतियाँ वो करता ही करता है, लेकिन गलतियों को नहीं मानता, गलतियों को नहीं सुधारता है, तो जीवन में कभी भी सुधार नहीं आएगा, ना ही किसी रिश्ते में कोई सुधार आएगा, और हर रिश्ता आपसे टूटता जाएगा, दूर जाता रहेगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो जीवन में ईमानदार होना, बातों को
कितने समझना महत्वपूर्ण है, विश्वास योग्य होना महत्वपूर्ण है, अपने पार्टनर के साथ सच्चाई के साथ बातों को रखना ज़रूरी है। तो ये सारे जो शक के जो गंदे बीज हैं ना, वो दूर रहेंगे, आएंगे ही नहीं आपके आसपास। प्यार मोहब्बत बेपनाह रहेगी। बस ये कुछ बातें हैं जो अपने जीवन में आप अपना लीजिए। अपने जीवन को कहते हैं खुशियों से भर दीजिए, खुशनुमा बना लीजिए। क्योंकि देखिए, जीवन आपको कैसे जीना है, कैसे व्यतीत करना है, पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं निर्भर करता है। तो अगर आपको जीवन खुशियों से भरा हुआ चाहिए, आपको अपना जीवन अच्छा जीना है और अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना है, तो छोटी सी सारी बातें हैं, इसे आप अपना लीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।